हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज कट इनटू टू पीसेस। वन ऑफ द पीसेस इज बेंट टू फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एंड अदर इज बेंट फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक स्क्वायर के फॉर्मेट में बेंट होना है और एक सर्कल के फॉर्म में। दोनों का पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है? 36। इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू फिगर इज मिनिमम, इसका एरिया आपको मिनिमम फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए वन ले लेते हैं और इसका एरिया ए टू, ये मिनिमम होना है। ठीक है, ये आपको मिनिमम होना है। एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज के, देन 4/π + 1 × k। सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है? के। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 36 माइनस के, इसका लेंथ हो जाएगा 36 माइनस के, और ये स्क्वायर है तो एक साइड का लेंथ हो जाएगा 36 माइनस के अपॉन 4, ये स्क्वायर का साइड है। और यहाँ से 2πr इक्वल टू के, तो r का वैल्यू कितना हो गया? के अपॉन 2π। तो एरिया जो मिलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 36 माइनस के अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस के अपॉन 2π का एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो यहां पाई भी कर देते हैं, प्लस पाई और आर का वैल्यू है आपका के बाय 2π। ये मिनिमम होना है, ये एरिया मिनिमम होना है। तो 4 मिनिमम एरिया, ये किस पे डिपेंडेंट है? के पे। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी ए अपॉन डी के इक्वल टू 0। 4 मिनिमम एरिया के लिए आपका इसका डेरिवेटिव डी ए अपॉन डी के इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी डी ए अपॉन डी के इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 36 माइनस के अपॉन 4 इंटू कितना हो जाएगा? माइनस 1/4, फिर प्लस पाई इंटू, ये हो गया ट्वाइस के अपॉन 2π इंटू 1/2π। इसको आपको 0 करना है फॉर मिनिमम एरिया के लिए। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट है 0 का। तो इसको राइट साइड लेके चले जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया आपका? के अपॉन 2π² अच्छा, एक पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, तो के अपॉन 2π, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, इक्वल टू 36 माइनस के अपॉन 8, ये 4 हो गया। That implies 4k equal to 36π minus pi k। तो k कॉमन ले लेंगे, तो 4 प्लस पाई इंटू के इक्वल टू 36π। तो k का वैल्यू आपको आ गया कितना? 36π/4 + π। When area will be minimum, k equal to 36π/4 + π। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट करना है 4/π + 1। तो इसका मीनिंग क्या है कि 4 बाय, इसका मीनिंग है आपका 4 + π/π (k), और k का वैल्यू है आपके पास कितना? 36π/4 + π। तो देखिए ये 4 + π कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू मिलेगा आपको? 36। सो आंसर विल बी 36। ओके, थैंक यू।